ललितपुर में तेंदू पत्तों से भरे एक ट्रक में उस समय आग लग गई जब वह विद्युत के तारों के नीचे से निकल रहा था। समय रहते लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। मामला ललितपुर के वन विभाग के गोदाम का है, जहां गोदाम से निकलते ही तेंदू पत्ते से भरे एक ट्रक में विद्युत केबल से आग लग गई। आनन फानन में तेंदू के पत्तों से भरी बोरियों को नीचे फेंका गया और पानी से तुरंत आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड को सूचना देने पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। ठीक इसी तरह से इससे पहले भी एक तेंदू पत्तों से भरा ट्रैक्टर बिजली के तारों की चपेट में आकर जल गया था, जिसमें लगभग सारे पत्ते स्वाहा हो गए थे, लेकिन फिर भी वन विभाग के कर्मियों ने सीख नहीं ली और फिर से उसी घटना की पुनरावृत्ति हो गई। यह पत्ता बीड़ी व्यापारियों के यहाँ भेजा जाता है। यहाँ पर देखा गया कि इसके पूर्व भी पहले भी एक घटना हुई थी, तेंदू पत्ते में ट्रैक्टर में आग लगी थी, जिसमें कोई इनके पास में अग्निशामक यंत्र नहीं है, ना तो आग बुझाने का कोई साधन है। ये तो बहुत ही आवश्यक है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लिख करके इनको दिया जाएगा कि अपने अग्निशमन उपकरण या तो आग बुझाने का कोई साधन होना चाहिए, आवश्यक है। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।